और मैं गर्दन कटवा दूंगा अपनी अगर योगी जी सरकार ना आई तो। योगी जी आएंगे और यहाँ भाजपा की वोट पड़ेगी एक तरफा, ठीक है? जिसमें कोई दम है वो तो दम लगा। भगवान मान लिया जाओगे क्या उसे बताओ ये? अरे महीने में तो बिजली का बिल कितना, बिजली का बिल 800 रुपए आ रहा था, अब कितना? कोई नहीं है, 10 ने पता चल जाएगा कौन पहाड़ों पर आएगा और कौन यहाँ रहेगा। 10 वो बोली थी कि ना वो शिमला बना देगा इसको, अमित उसके मतलब जो उसने बात दिल की कही है ना वो वाकई में बना देगा। योगी किसकी बना होगा शिमला नू बता पहले, चल तेरी बात बड़ी करें हम। शिमला किसकी बना हुआ है? गुंडों की बना होगा, जो गुंडे हैं। अरे सुन अच्छे आदमियों के लिए सुन मेरी बात, अरे जो गुंडे हैं ना गुंडे उन्हें उनकी शिमला बना होगा और 10 तारीख के बाद तू भी देख ले हम भी देख लेंगे। तो हम कैराना में आज मौजूद हैं और ये कैराना का डुंडूखेड़ा गांव है और ये गुजरों का गांव है, यहाँ मुसलमान गुजर और हिंदू गुजर दोनों यहाँ पर रहते हैं। आपका नाम क्या है? सुशील कुमार जी। सुशील कुमार जी, आप ही के गांव के लोग हैं, ठीक है? और उनका ये कहना है कि वो जब वोट डालने के लिए जाते हैं तो पहली बात हो जब वो डालने जाते हैं तो डालने नहीं दिया जाता, ठीक है? और अगर वहाँ पहुँचते भी हैं तो ये कहते हैं तुम क्यों आए हो, तुम्हारा वोट डल गया है, या फिर ज़बरदस्ती जो है वो बीजेपी को डालने की बात कही जाती है, क्यों ऐसा, क्यों शिकायत है इन लोगों की? देखो जी, हमारे सामने तो आज तक ऐसी बात हुई नहीं है, हम भी वोट डालते हैं, मेरी भी 3 योजना, मैंने भी वोट डाल दी, आज तक हमारी कोई वो नहीं हुई है, ना हमें आज तक किसी ने रोका है, तो हम कैसे कहते जी हमारी वोट डली नहीं है। तो लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप क्योंकि मुसलमान नहीं है इसलिए आपको ना परेशान किया जाता? नहीं जी, मुसलमान गरीब आदमी हम भी है जी, ऐसी बात नहीं है, हक हमारा भी इतना ही है, जहाँ हमारी मर्जी हम वोट वहाँ डालेंगे। लेकिन इस सरकार में सबका फल किसका हो रहा है? फायदा तो सबको मिल रहा है, इन्हीं का हो रहा है, सबका ज्यादा मुसलमान सबका फायदा, मतलब योगी की सरकार में किसका फायदा हो रहा है ये बताओ आप? खुलेआम सो रहे, गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म है, दो तबर आसन मिल रहा है, सबसे ज्यादा फालतू फायदा इन हो रहा है, आज ये कट रहे हैं और मैं गर्दन कटवा दूंगा अपनी अगर योगी जी सरकार ना आई तो। योगी जी आएंगे और यहाँ भाजपा की वोट पड़ेगी एक तरफा, ठीक है? जिसमें कोई दम है वो तो दम लगा लो। सप्ते फालतू योगी जी सप्ते फालतू काम ही निकाह कर रहे हैं, दो दो बार राशन दे रहे हैं, क्या कमी छोड़ रहे योगी जी? आप ये बताइए। नहीं नहीं, आप मुझे ये बताइए तो आप गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म कर रहे हैं, आप यहाँ लोगों को डरा रहे हैं? अजी डरा कर रहे, रामराज है, रामराज रामराज है रहा, पर बुन अवतार ले लिया यहाँ पर ही। ठीक है जी, अगर आपको अच्छा आप ये बताइए, अगर आपको अपनी बात कहने का अधिकार है तो बाकी लोगों को भी तो अपनी बात कहने का अधिकार है ना? नहीं, इनसे पूछो ना, मतलब योगी जी ठहर लिए क्या नहीं कर रहे? एक तो ये बात है कि योगी जी हिंदू हिंदुओं के लिए कर रहे हैं, इनके लिए नहीं कर रहे हैं, हम मान लेते हैं योगी जी गलती है। एक बात बताओ, योगी जी सबके लिए कर रहे हैं, इनके लिए नहीं कर रहे क्या? जो मरता मिल रहा है वो इंतर मिल रहा है क्या? नहीं, आप ही बताइए, आपको लगता है आपके लिए कर रहे हैं, अगर इनको लगता है इनको नहीं कर रहे हैं तो इनको अपनी बात कहने का अधिकार है कि नहीं? पूछो ना आप, इनसे राशन नहीं मिल रहा क्या? इनसे सिलेंडर नहीं मिल रहा क्या? इनका क्या नहीं मिल रहा? इनका क्या परेशानी है सरकार में? बताओ कोई लोग। हाँ अच्छा, ये मुझे बताइए कि पांच ऐसे कोई काम बताइए योगी जी के जो आपको पसंद है, जिसकी वजह से आप कह रहे हैं कि उनको वोट गर्दन कटवा लेंगे आप? बिल्कुल गुंडागर्दी खत्म कर दी यहाँ, 6 दिन छिपने के बाद में यहाँ खुद मेरी मोटरसाइकिल यहाँ गांव के पास ही खुद मेरी मोटरसाइकिल खोस ली थी, ट्रैक्टर चोरी हो जाते गांव में तो कोठे पैर का मैस निकाल जाती, अब कति गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म है। अच्छा तो हम योगी जी को पूजते हैं, उनको देवता मानते हैं अपना, उसकी आरती उतारते हैं योगी जी की हम, और योगी जी बनेंगे, जय श्री राम। अच्छा तो योगी जी बनेंगे, योगी जी। अच्छा ठीक है आपकी बात, तो आप एक लीडर को भगवान मान रहे हैं ना कि आप उसको नेता मान रहे हैं? जी भगवान है, मैं भगवान है, मोदी योगी भगवान है, अच्छा, हमारे दिल में बस रहे हैं। अच्छा, तो चलिए फाइनली एक भक्त से हमारी मुलाकात हो गई, भक्त है ना? हाँ जी, मंदिर का पुजारी भी हूँ जी मैं। अच्छा, हाँ जी, तो नाम किसे डरते हैं? हम किसे डरते नहीं जी, कभी भी डरते नहीं, जो बात है सच कहूंगे। भाजपा का जो प्रत्याशी था यहाँ मथुरा कहाँ पे था पता आपको भी? उनका प्रस्तावक की गोली मार के हत्या कर दी, कहाँ से कर दिया? गुंडागर्दी खत्म, गुंडागर्दी कहाँ खत्म हो रही है? अरे 5 साल हो गए, सुनो 5 साल हो गए, मैं यहाँ के पास के गांव का ही हूँ, तितरवाड़े से, तितरवाड़ा मेरा गांव है, यहाँ का तो मैं हूँ नहीं, कहाँ पे है गुंडागर्दी? कहीं भी खत्म नहीं हुई गुंडागर्दी, दोबारा बढ़ गई। ये कह रहा 5 अनाज देवे, 5 किलो अनाज पे, 5 किलो अनाज देने पे भगवान मान लिया जाओगे क्या उसे बताओ ये? अरे महीने में तो बिजली का बिल कितना, बिजली का बिल 800 रुपए आ रहा था, अब कितना रहा? कितना रहा ये बताओ? पहले भी आ रही थी ताऊ, पहले 100 नंबर 112 नंबर एम्बुलेंस सब अखिलेश यादव की दी हुई है, क्या दे दिया योगी जी ने? पहले पूरे गांव में ही ट्रांसफार्म था,
वो भी बांस के थ्रू मतलब उसको टेकते थे और अब तो गांव के शुगर देने ट्रांसफर आ गए और अब क्या बोलते हैं कि 18 घंटे लाइट है 18 घंटे। अच्छा आप ये बताओ कि किस किस क्लास में पढ़ते हो? मैं तो प्लस टू हो गई मैम। अलेवेंथ क्लास। अच्छा तो अभी वोट तो नहीं होगा? वोट है जी। हाँ जी नहीं जी। अच्छा तो ये बताओ कि अभी आप देखा होगा बहुत सारे छात्र जो हैं वो बाहर निकले थे, डंडों से उन्हें मारा पीटा गया था, नौकरियों के लिए निकले थे, है ना? वो तो सारे किसी भी धर्म के थे, है ना? वो एक था कि मतलब जो देश में बीमारी है देश के साथ चलना चाहिए, देश में कोरोना वायरस की फैली थी तो अब नौकरी लिख रही है, अब निकली है 50,000 की। वो तो 2019 से इंतजार कर रहे हैं ना भर्ती के लिए। भर्ती अब निकली है ना, बहुत भर्ती निकल ली, जो जिसकी मेहनत होगी वही तो आगे जाएगा। ऐसा थोड़ा कि उसकी कांग्रेस की सरकार में उसके पैसे देने के बाद भी जाते थे, अब योगी की सरकार में थोड़ा है। नहीं नहीं योगी सर लड़के भर्ती नहीं निकली, सब लड़कों की उम्र निकलेगी सबकी। ये रपास का गांव भर्ती बिल्कुल खत्म है, कोई काम नहीं हुआ यहाँ बिल्कुल। अगर बात हम रखेंगे तो हमको धमकाया जावे यहाँ। देख लो ये कैसी भाई बात कर रहा था अभी, योगी जी आवेंगे, योगी जी इसका मतलब तो ये हमें डरा रहा है भाई। मैं पास के गांव गई हूँ, आओ कोई भी लामे कहूँ अखिलेश आओगे, अखिलेश आओगे, अखिलेश आओगे, ना ही जीतेगा ना ही जीतेगा। अंगा क्यों लगा हुआ इतना? बताओ मुझे इतना लगाया अंगा क्यों लगा हुआ इतना? तो जीता ये बोल रही थी कि 10 तारीख के बाद योगी जी को हम पहाड़ों पे भेज देंगे, ऐसा कोई नहीं है, 10 ने पता चल जाएगा कौन पहाड़ों पे रहेगा और कौन नहीं आ रहेगा। 10 वो बोल रही थी कि वो शिमला बना देगा इसको अमित, उसके मतलब जो उसने बात दिल की कही है ना वो आगे भी बना देगा योगी। किसकी बना होगा शिमला नु बता पहले? चल तेरी बात बड़ी करे हम, शिमला किसकी बना हुआ? गुंडों की बना होगा, जो गुंडे है। अरे सुन अच्छे आदमियों के लिए सुन मेरी बात, अरे जो गुंडे हैं ना गुंडे उन्हें उनकी शिमला बना होगा और 10 तारीख के बाद तू भी देख ले हम भी देख लेंगे। योगी की सरकार आओगी सबने पता है योगी की आओगी। 5 साल हो गए क्यों नहीं शिमला बनी अब तक? 5 साल भी तो रहे उसमें क्यों नहीं शिमला बनाई गई बताओ भाई? सड़क पर आ भी जाओ सड़क पर बताओ भी जाओ इसकी गुंडागर्दी खत्म हो रही है। एक काम बताओगे जो काम सही है? योगी के राज में जो खेत में मतलब किसान थे, जो किसान थे खेत में उनकी रोटी भी नहीं जाती, रोटी भी खोज लेते सड़कों पे, और 5 साल में योगी ने जो है ना नहीं तो एक 1.5 साल जो है किसान बॉर्डर पे बैठे रहे, ठीक है, उन्हें आतंकवादी बोला गया, खालिस्तानी बोला गया, देशद्रोही बोला गया, तो आप इससे अग्री करते हो? नहीं हम बताऊंगे सारे मतलब मैं जो खालिस्तानी वहाँ लाल किले पे झंडा बांध रहे थे वे किसान थोड़ा थे कोई? तो फिर नहीं तो फिर प्रधानमंत्री ने माफी किससे मांगी? देखो मेरी बात सुनो, ये किसानों से माफी मांगी ना, तो अगर वो आतंकवादी थे तो फिर उनसे माफी क्यों मांगी? हाँ चलो बताओ एक बात बताओ। हाँ तो आप ये बताओ कि अगर वो आतंकवादी कानून कहे थे, मैं किसानों कहे थे भाई काले कानून है ये, मोदी ने साल भर बाट देख के मैं वापिस ले लिए, इसी बात ना तो कह रहे आप? जैसा मैं वापिस लिए मोदी ने कानून, मैं किसानों को नहीं समझा सके? तो ये बताइए ना, अभी तो आप कह रहे हैं कि वो खालिस्तानी थे, ठीक है जी, खालिस्तानी तो मैं थे बहन जी जो उनसे वहाँ लाल किले पे झंडा बांध रहे, किसान झंडा बांध सके क्या नू बताओ? अच्छा था मैं आप एक बात बताओ कौन सा झंडा बांध रहे थे उनका? तो लाल किले पे खालिस्तानी झंडा बांध रहे खालिस्तान? नहीं 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 आप मुझे लगता है आप कोई गलत टीवी चैनल देखते। अजी गलत नहीं, मैं तो सारे दिन टीवी में कौन सा देखते हो? कौन सा न्यूज भी देखूँ जी, हिंदुस्तान भी देखूँ और जी आज तक भी देखे हैं, और एक नंबर दो आवे क्या नाम है बाणमन, मैं दिखाते हैं उसको मैं अजी मैं सारा दिन देखता देखता ही आया, मैं भी मैं थाना भवन देख रहा था सारा सीन थाने भवन का, और वो वैसी छपरोली मारा उसे भी देख रहे थे, ऐसी बात नहीं बहन जी। और सुनो दूसरी बात यह है, जिसने अखिलेश की डालनी हो अखिलेश की डाल लो, हम थोड़ा कहेंगे भाई क्यों घेरो? नहीं 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 लेकिन यहाँ ऐसा क्यों किया जाता है कि अगर कोई बीजेपी के अलावा किसी और को वोट करने जाता है तो उन्हें डराया धमकाया क्यों जाता है उन्हें? आप भी आकर देख लियो कौन डराया धमकाया है तुम्हारे गांव में। सुनो अगर वोट करने जाते हैं तो फिर ऐसा क्यों कर दिया जाता है कि तुम्हारी वोट तो गिर गई और तुम क्यों आए हो वोट करने के लिए, क्यों होता है ऐसा? कभी नहीं हुआ हमारे गाँव में, 47 में जब गड़बड़ हुई मारकाट हुई यहाँ तो जिब भी कोई गड़बड़ नहीं थी। अब जट्टों में पीछे जो आपने देखा होगा ये भाजगा है सारे, ये हमने शरण दी इनते। जब भी मेरे गांव में बहुत संतुष्टि थी जी। और सुनो हमारे गांव के 2 मुसलमान यहाँ तो जो जमींदार हैं 50-50 बीघे के में खुरगान जाए लौटे कैंपों में, अब हम वहाँ काम ने काट दिए और मैं वापस आए फिर वहाँ से। अब तो अच्छा ये बताइए, चलिए कोई बात नहीं, कोई समाजवादी पार्टी का सपोर्टर है, कोई बीजेपी का सपोर्टर है, ठीक है चलो बीजेपी के सपोर्टर हो, लेकिन यहाँ ये जो कहा जाता है कि कैराना में पलायन हुआ इसलिए हुआ क्योंकि हिंदू जो है मुसलमानों से डर गए,
हाँ तो फिर ये बताइए तो भी अमित शाह और योगी आदित्यनाथ तो ये कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है जी, कुछ नहीं है, नहीं जी, नहीं आप मेरी बात बताओ, आप अगर इस गांव में हिंदू कम होते और मुसलमान ज्यादा होते तो क्या इसको मिनी पाकिस्तान बोलते? नहीं नहीं नहीं, देखो सुनो मेरी बात, एक चीज बताओ, ये हमारे भाई हमारे दोरे रह रहे, हमारे गांव में कम से कम भी 150-200 घर मतलब हमारे अल्पसंख्यकों के हैं, इन तेन पूछो आज लोग भी हमारे गाँव में कान तत्ता भी होया के रही कराने की बात, कराने का तो सारी दुनिया में डंका मीच रहा, ये आए हुए पलायन कर करके बेचारे जिनके मकान, अच्छा पलायन करके आए थे तो 5 साल तो योगी जी का रामराज रहा ना, तो उस 5 साल में उन परिवारों को क्यों नहीं बसाया? एक चीज तो बताओ, जो दुकान 2 करोड़ रुपए की थी वो 25,000 में बेच के चले गए, उन्हें मकान कौन दे देगा अब जा? जो दुकान 2 करोड़ की थी वो 25,000 में खरीद दी उन्होंने। कहाँ से देख, कहाँ से ये डेटा आपके पास कहाँ से आई, ये कहाँ से पता चलती है खबर? हम रोज ही नहीं कराने रहे हैं जी, हम रोज ही नहीं कराने रहे हैं, बहन जी मैं आपसे बताऊं मेरे गेल, चलो 150 घर ऐसे हैं जो वहां तक पलायन करके, उसमें मुसलमान भी तो हैं, कोई हिंदू हिंदू थोड़ा है, 2-3 घर मुसलमानों के भी हैं, मुसलमान वहाँ ऐसे भी मुसलमान हैं जो ये चाहे कि भाई गुंडा में बनियों से भी है बेचारे, बनिया भी तो मेरे थे, अगर ऐसा नहीं होया है तो फिर बनिया क्यों मेरे वहाँ पे, ये कह रहे भाई साहब अगर ऐसा कुछ नहीं है बनिया मरे थे जी वहाँ पे, ऐसी बात तो 2013 में जो मुजफ्फरनगर में हुआ उसके बाद 50,000 से ज्यादा मुसलमान अपने अपने घर छोड़कर अलग अलग जगह ऐसी कहीं पर भी रहने के लिए, क्या उसको पलायन समझते हो, वो पलायन है कि नहीं है? नहीं जी मैं भी डर भय के लिए भागे है जी, अगर भाई जब मरने लगे हैं तो हम भी कहाँ रह जाएंगे, हमें भी नहीं बख्शेंगे चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू, सारे गए जी। नहीं आप तो अपनी जगह पे रह रहे हो ना जहाँ हो, हाँ अभी मैं एक कॉलोनी से आ रही हूँ जहाँ वो अपने घर बार छोड़कर वो लोग आज जो है एक एक कॉलोनी में रहने के पे मजबूर हो गए क्योंकि उनको अब वहाँ जाने में डर लगता है, तो उसको पलायन बोलोगे कि नहीं बोलोगे? पलायन है जी, पलायन है जी, हो मेरे सामने की बात है, मुजफ्फरनगर से लगाया कर करने तक जितने भी मुसलमान वहाँ तक भागे, बच्चे औरत बेचारी मैं सब यहाँ लग रहे हैं, अनुराव मेरे साथ 2-3 किलोमीटर की दूरी पर हैं, उनकी अलग कॉलोनी बनवा के दी इन्हें, मतलब हमारे गुजरों ने जो इसी इलाके के हैं, पलायन नहीं है जी, वो बुरा तो होया ही हो, हम तो नुके हैं, वो भी बहुत बुरा होया, बुरा नहीं मानते थे मुझने, मतलब 50,000 घर उजड़ का आए, अब हम मंदिर से मस्जिद छोड़ के चले आए, बेचारे अपने बच्चों ने छोड़ आए, उनके मकान भी आज लोग नुके नहीं पड़े वहाँ, वो भी पलायन है बहन जी, हम नहीं कहते अको पलायन नहीं है, लेकिन हमारे गाँव में कोई ऐसी बात नहीं है जिसकी जान जी मावे वहाँ वोट घेरो, कोई अखिलेश की घेरो, कोई बहन जी की घेरो, कोई भाजपा की घेरो, यहाँ कोई रुक का रोड़ा नहीं, लेकिन सरकार योगी की, योगी की बैठ, योगी की है, सरकार योगी, हाँ जी और कुछ नहीं, सरकार योगी, सरकार योगी की आओगी जी, इसमें कोई शक नहीं, बाबा की सरकार आओगी, हाँ जी सरकार है, सबका साथ सबका नीचे का बाबा का यहाँ, हाँ ओ यारी से जी बाबा की सरकार, क्या नहीं क्या योगी ने सब कुछ क्या, 1.5 साल हो ले राशन फ्री दे रहा है, सिलेंडर फ्री दे रहे है, योगी सरकार आएगी खुल के तो तुम्हारे तुम्हारे घर में फ्री सिलेंडर आ रहा है, फ्री सिलेंडर दे रहा है, किसको दे रहा है, किसी का एक कन्या राशन फ्री दे रही, 1.5 साल हो गए राशन फ्री दे रहा है बाबा की सरकार, किसकी सरकार में राशन फ्री, कुछ नहीं था, पानी की टंकी यहाँ, हॉस्पिटल यहाँ, बैंक यहाँ है, सब सुविधा, अजी मेरी बात सुनो, सुनो भाई ये मंदिर है और ये हमारी मस्जिद है, इसकी 12 बीघे जमीन आज लोग रिकॉर्ड है, मतलब हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हुआ, इसकी 12 बीघे जमीन मुस्तर का खाता है, इसकी भी इतनी है आधी उसकी आधी मंदिर की है, ये बीच में गाड़ गाड़ है बस, यहाँ कोई रुका रोड़ा नहीं है ना कोई यहाँ गड़बड़ है, जिसके जीमा हो कोई कहीं घेर जाओ वोट घेरनी, अच्छा और अगर किसी और कोई और कहीं और घेर कर आ गया तो उसे बाद में परेशान तो नहीं किया जी? नहीं ऐसा कुछ नहीं, ना ना ये खड़े मारे मोमडन भाई पूछ लो, ये खड़े डर के बोल रहे हैं? नहीं बिल्कुल सही, खुल के बोल रहे हैं, बिल्कुल इसलिए बोल रहे हैं, बिल्कुल नहीं ऐसी नहीं, ये नहीं ये पंडित जी है, हम ही है, नहीं ये पंडित जी है, मुसलमान है, ऐसा प्यार मोहब्बत हिंदू मुसलमान का तो यहाँ ऐसा है, एक दांत काटी रोटी है, खाना खुआना भी है, ये तो जो लड़के है ना ये तो वही बकवास कर रहे हैं, खाम खाई हमारे गांव में तो पत्ता नहीं हिला जी आज तक भी, सरकार फिर भी योगी की बननी, नहीं सरकार योगी की आनी चाहिए, अच्छा बिल्कुल, क्या नाम है आपका? नहीं महबूब, महबूब ये पक्का जी, अच्छा तो महबूब जी आपको क्यों लगता है आपके आप और जो दूसरे लोग हैं वो तो नहीं चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार आए क्योंकि उन्हें लगता है कि
अजी ये तो पागल है, खामा खाई सबसे बढ़िया योगी की सरकार है, चाहे किसी भी सरकार में हो। ये दबा रहे हैं लोग आपकी आवाज को? नहीं अजी, मतलब भी नहीं, नहीं ऐसी ऐसी बात नहीं है, मैं किसी तो कोई वो नहीं है। इनके बिना हमारे पे कुछ नहीं है, हमारे दो चार घर सब दिल्ली चले गए, जहाँ आप खड़े हो यहाँ 500 खाट आया करती हमारे आगे, इतना लुहार था यहाँ। अब मैं बेचारे खान कमान दिल्ली चले गए, यहाँ तो ये दो चार घर बेचारे रह रहे हमारे, हमारा काम करें लकड़ी का लोहे का, इन्हें कुकर छोड़ देंगे हम। हमारा तो जी यहाँ बहुत ज्यादा प्यार है हमारा तो, अगर ये हिंदू यहाँ जंग करेंगे ये रोटी खाओगे, यहाँ मस्जिद में ये नियाज करेंगे हम रोटी खाओगे, हमारा कोई वो नहीं है। तो देखिए आपका नाम क्या है? मेरा योगेंद्र शर्मा है जी। जी योगेंद्र शर्मा जी मुझे मिले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है ये कि योगेंद्र शर्मा जी वैसे बीजेपी के बिल्कुल कट्टर सपोर्टर हैं और चाहते हैं कि योगी जी की सरकार आए, लेकिन उसके साथ साथ वो ये भी चाहते हैं कि जो आपसी भाईचारा है वो भी बना रहे। ये महबूब जी हैं, ये आप ये देखें कि ये भी बीजेपी के सपोर्टर हैं जैसा उनका कहना है ना, सपोर्टर हैं, और उनको भी ये लगता है कि बीजेपी की सरकार जो है वो फिर से यहाँ पर आनी चाहिए। और उनका ये कहना है कि अगर मस्जिद में, मेरे पीछे मस्जिद है आप देख सकते हैं, कि मस्जिद में न्याज अगर बनती है तो वहाँ पर भी ये खाते हैं, और मंदिर में अगर लंगर अगर बढ़ता है तो मुस्लिम भाई जो है वो भी यहाँ पर खाते हैं। उनका ये भी कहना है कि हमारा एक दूसरे के बगैर जो है वो गुजारा भी नहीं है, एक इस तरह से जैसे गांव की आप देखते हैं कि एक रिवायत होती है कि एक दूसरे के घर जो है वो आपस में इस तरह से मिले होते हैं कि आपको ये पहचानना भी मुश्किल हो जाता है कि किसी ये हिंदू का घर है या मुसलमान का घर है। और उनका ये भी कहना है कि जिसकी जहां मर्जी है उसको वो वोट करे, लेकिन कुछ और लोगों का यहां पर कुछ और मत भी है कि उनको वोट नहीं देने दिया जाता है, जहां वो चाहते हैं उन्हें डराया धमकाया जाता है।